चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद और ब्रीडिंग वर्ड फार्म से वेलकम एंड खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और चार एक्स थे, दो इसने कह लें कि अनफर्टाइल की और दो हैच किए, जिसमें से कह लें कि दो बेबी निकले। तो चलें जी, आज इन दो बेबी का देखते हैं कि कौन से कलर्स हैं और किस तरह का है इनका। तो अगर मेल और फीमेल के बारे में बताऊं तो वाइट हैं दोनों, लेकिन मेल जो है हमारा वो ऑरेंज ब्रेस्टेड है और फीमेल जो है प्योर वाइट है विद कह लें कि ब्लैक टीयर मार्क्स। तो चलें जी, मैं इसका बॉक्स निकालूंगा और फिर हम उस बॉक्स को उतार के फिर देखेंगे अंदर जाके इंस्पेक्ट करके कि यार ये आज क्या इसने हमें किस तरह के बेबीज दिए हैं। तो चलें जी, फीडर्स आ चुके होंगे, होप सो। माशाल्लाह जी, दो बेबी हैं और बिल्कुल छोटे। होपफुली ठीक है जी, ये हमने निकाल लिए। हम लोग लेके चलते हैं इंस्पेक्शन टेबल के ऊपर। माशाल्लाह जी, देखें ये कंडा भी हमें नजर आ रहा है और इनके फीडर से हमें पता चल रहा है कि यार ये दोनों ही जो है ना वो कह लें कि मे बी वाइट है जी। देखते हैं हम लोग निकाल के। ये आ गए जी पेयर नंबर हमारे सामने, ये आ गया पेयर नंबर 5 और उसका बॉक्स। तो देखते हैं जी हमारे बेबीज कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह फीड अच्छा कराया हुआ है। ये देखें जी, वाओ, वाइट है प्योर माँ बाप की तरह। देखें जी, वाइट बेबी है हमारा। जूम करके दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल छोटा सा है। माशाल्लाह देखें, फीडिंग में तो आउट क्लास है सारे पेयर्स। किस तरह इसने फुल फीडिंग करवाई हुई है और बिल्कुल छोटा है अभी और फुल वाइट है माँ बाप की तरह। तो देखें हमारे पास प्योर वाइट है माशाल्लाह। और चलें जी, दूसरा भी निकालते हैं फिर, क्योंकि इस्लामाबाद में थोड़ी सी ठंड है जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा छोटा है अभी। देखिए इसने अभी फीडर्स निकालने शुरू किए हैं। बास पेयर्स के होते हैं जेनेटिक, उसके जो कह लेंगे जीन्स हैं वो जेनेटिकली बेबीज जो है ना वो थोड़ा कह लेंगे देर से बड़े होते हैं, यानी कि उनके फीडर्स और ये वो चीज़ें ना वो कोर्ट से ज़रा कम निकलती हैं, लेट निकलते हैं। जैसा कि हमारा पेयर नंबर 1 है या पेयर नंबर 4 है या पेयर नंबर 3 था, उसके भी बेबीज़ मैंने आपसे शेयर किए थे, 8 बेबीज़ थे ठीक है ना, और वो 8 के 8 कह लें कि माशाल्लाह ठीक थे और वो दिनों में बाहर आए हैं। तो कुछ बर्ड्स होते हैं उनके जो हैं, लेकिन आगे देखें फिर इनकी, क्योंकि क्रॉस निकले होते हैं, स्प्लिट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये वाइट वाले फिर कह लें कि थोड़ा लेट से बड़े होते हैं। तो बहरहाल फिर भी जी अच्छा रिजल्ट है। और आगे देखें तो हमारा एक अंडा है अंदर अनफर्टाइल, मैं वो भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये ले देखें जी, ये एक अंडा है, ये भी अनफर्टाइल है। मैं हम इसको तो दे देंगे, फेंक देंगे। और बाकी जो है, तो ये हैं हमारे जी दोनों बेबीज। मैं इनको कह लें कि वापस डालूँगा, ठंड भी है और दोनों माशाल्लाह देखें फीडिंग बड़ी ज़बरदस्त करवाई हुई है मेल्स ने। ये थोड़ा सा छोटा है और वो इसका बड़ा भाई है। तो चलें जी, मैं इनको वापस डालता हूँ। माशाल्लाह ये हो गया और हम दूसरा भी जो है उसको भी डाल देते हैं इसके बॉक्स में ताकि ठंड है। और माशाल्लाह जी दोनों देखें आराम से अंदर जाके बैठ गए हैं। और इससे पहले कि हमारा जो कह लें कि मेल और फीमेल दोनों परेशान हों,
तो हम इसको वापस जाके डाल देते हैं इनके हमारा जो पेयर्स हैं उनके कह लें के बॉक्स उसके सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों से मेरी यही थी कि यार मैं इसको शेयर करूं, क्योंकि फर्स्ट ब्रीड थी इसकी, तो दो भी अल्हम्दुलिल्लाह, दो चिक्स भी नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। और हम इन्हें वेलकम कहते हैं हमारे इन बेबीज़ को ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म से। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि यार अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है इसका, फिंच लवर्स हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करें ताकि हमारी भी लर्निंग हो। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये बच्चे कैसे लगे। तो चलें जी, मैं इस बॉक्स को वापस उठाता हूँ और हम इस बॉक्स को जाके वापस लगाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। आज क्योंकि बादल है इस्लामाबाद में और ठंड भी है, तो खैर मेरा यहाँ का टेम्परेचर तो फॉर्म का कह लें कि इतना अभी भी देखने दिन का टाइम है। और देखें 18.9 और जो कह लें कि आउटसाइड का ये आ रहा है। चलें जी हम लोग डालते हैं वापस, इससे पहले कि हमारा जो मेल फीमेल दोनों परेशान है, इनके बेबीज हैं भाई, ज़्यादा देर बाहर भी बच्चों को नहीं रखना चाहिए। तो यह कि मेल फीमेल जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं फील करते और जो है बैठना छोड़ देते हैं। ठीक हो गया जी, हम करेंगे बंद लॉक और फिर हम इसको हैंग कर देंगे इसकी पोजीशन पर। ये हो गया, उठाते हैं कॉर्नर में। मैं फेस उस तरफ रखता हूँ कि कभी भी आप आते हो फॉर्म में कुछ करते हो तो फीमेल अंदर होती है तो उसको मालूम नहीं होता इतना, तो वो क्या करते हैं कि डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया हमारा मेल फीमेल दोनों। तो होपफुली आपको पसंद आए होंगे ये हमारे चिक्स, ये फर्स्ट ब्रीड थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पेयर भी 4-6 पे लाजमी अपनी एवरेज रखेगा। चलें जी, मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें और आपका, अपने अजीज़ों कारों का, माँ बाप का, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।